हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है ग्लोबल ट्रैवल सीरीज बाजार ट्रैवल्स एपिसोड 3 है। दिल्ली पर दिल्ली की हम तीसरी वीडियो देख रहे हैं इस चैनल की और इस सीरीज की एंड एवरीवन नो व्हाई, सो लेट्स सी दिस वीडियो। शांतनु, मनीष, संदीप, अरे नहीं मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूँ उन डिजाइनर्स की जो एवरी ब्राइड के ड्रीम लहंगे के क्रिएटर्स होते हैं। तो आज ओल्ड दिल्ली की फॉरएवर यंग एंड ऑलवेज ट्रेंडिंग गलियों से गुजरते हुए आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर एंड शॉप इन द ओल्डेस्ट, बिजीएस्ट येट मोस्ट लव्ड बाजार्स ऑफ नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल ऑफ इंडिया। टुडे आई एम इन चांदनी चौक। पता है 300 साल पुराना है ये बाजार। यू नो, अगर आपको 2000 रुपए खर्च करने हैं अपने लहंगे पे या 2 लाख रुपए खर्च करने हैं, चांदनी चौक इज योर जैम। एंड यू नो, नॉट जस्ट लहंगास, आपको यहाँ वेडिंग कार्ड्स, वेडिंग ज्वेलरी, सलवार सूट पीसेस सब कुछ मिलेगा, बस दुल्हा अपना ले आना। दीपिका, अनुष्का, प्रियंका के वेडिंग लहंगे देख के ऑल ब्राइड्स वांटेड डिजाइनर लहंगा। चांदनी चौक में देयर आर गजिलियंस ऑफ होलसेलर्स एंड डिजाइनर्स हु कैटर टू एवरी नीड, एवरी प्राइस, एवरी स्टाइल, इन शॉर्ट एवरी ब्राइड। So I'm currently sitting in Ashiana store in Chandni Chowk and the vibe here is crazy because all the brides are wearing their bridal lehengas aur wo yahan chal rahe hain, wo feel le rahe hain apne lehenge ki। To aapki ye shop Chandni Chowk mein hai jahan puri country se and even outside se log aate hain apni wedding shopping karne, to kaisi type ki brides aati hain aapke paas? Brides jo hamare paas aati hain they come like ki mujhe Kareena ka lehenga chahiye ya bas Deepika ka lehenga chahiye, jo bhi us time pe trending ho raha hota hai to us type they come and mujhe exactly waisa banwa pate hain। So this is the lehenga and this is a bridal lehenga. It's very beautiful, yeah. Yeah, and it takes at least 120 days to be made. So. तो मतलब लोग कितने पहले आ जाते हैं शादी से? एक-एक साल पहले भी आ जाते हैं। Okay, next. This is so royal. ऐसा लग रहा है जैसे it's like a Rajput princess. More on the traditional side. हाँ. And the color is maroon in this one. I'm gonna show. It's a very different red. It's not a very usual red. So this is the one. And this is so beautiful. I love the combination of pink and red. Again, you have to come a year early for this, and 6 months time we take for this one. अच्छा, ये भी 6 months. So I'm going to show you one lehenga. Okay. Which is the showstopper. Yes, and I've got specially it for you only. तो आप वो try करना. Oh yes. So this is the lehenga I'm going to try. So I'm going to go try it in changing room. भैया. इतने सारे लहंगे देख के और ट्राई करके बहुत मज़ा आया। एंड ये लहंगे भारी हैं बिकॉज ऑब्वियसली शादी के लहंगे भारी होते हैं, लेकिन दे सरप्राइजिंगली कम्फर्टेबल। लाइक आई वॉज रनिंग अराउंड, डांसिंग, ट्वर्लिंग, एंड आई थिंक दैट्स फिनोमिनल बिकॉज हर ब्राइड को अपने स्टाइल में, अपने एलिमेंट में होना चाहिए। एंड आई थिंक क्लोथ्स लाइक दिस एनेबल जस्ट दैट। बिग थम्स अप फ्रॉम मी। यू नो, वो लहंगा पहन के मुझे ऐसी फीलिंग आ गई जैसे मेरी शादी होने वाली है। That's what a perfect lehenga can do to you. तो चलो लहंगा तो बन गया, कार्ड छपाते हैं। दूल्हे का नाम है। I
आई नो दिल्ली वेडिंग्स आर वेरी वेरी ग्रैंड, काफी ओवर द टॉप होती है मेरे हिसाब से. सो आई रियली वांटेड टू आस्क यू, आपने सबसे क्रेजी वेडिंग कार्ड कौन सा बनाया? वेडिंग कार्ड क्रेजी तो बहुत बनाए हैं. समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ मंदिर स्टाइल कार्ड एंड हियर यू गेट द इनवाइट्स. ये पूरा का पूरा एक कार्ड है. इट्स अ बिग शो ऑफ. पूरी शादी दिल्ली मुंबई बिग सिटीज में शादी से शो ऑफ. डब्बा बड़ा होना चाहिए चाहे माल जितना कम जाए अंदर. सबसे पहला शो ऑफ इट्स अ वेडिंग कार्ड. एक ही शादी का थीम, दैट वाज फ्लेमिंगो. फ्लेमिंगो शादी का थीम था. दिस इज अ फ्लेमिंगो स्टाइल कार्ड दैट वाज फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग. सो दीस वर द इंसर्ट्स, द बॉटल फॉर द फिलिंग. हाउ एक्सपेंसिव आर दीस? 2000 से शुरू करके 10-20 हजार तक का कार्ड ले रहे हैं. पर कार्ड 20,000 का पर कार्ड? पर कार्ड. और आपने सबसे एक्सपेंसिव कौन सा कार्ड भेजा है? सो दिस इज अ एलईडी कार्ड. दे हैव देयर प्री वेडिंग शूट इन दिस. इट्स लाइक दिस. Okay, I want to actually visualize this. Actually, hota kaise hoga? Okay, so I'm Mayank. Madam, कौन सा pink? What pink? How? Pink वो जब baby pink को थोड़ा सा light करके red मिला दो और blue डाल के थोड़ा सा black कर दो. When is your wedding? My wedding is just. I have no idea. No plan. Salman Khan के बाद. Salman Khan के बाद, I think, yeah. थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत मजा आया. And I'm still gonna hold you up for my deal. मेरी शादी जब भी होगी आप मेरा कार्ड बनाएंगे. अब इतनी शॉपिंग करोगे इतने बड़े बाजार में तो भूख तो लग ही जाएगी ना. आई नो ऑल द ब्राइड्स के लास्ट फ्यू मंथ बहुत क्रूशियल होते हैं डाइटिंग में, फिटनेस रिजीम में. बट यार अगर चीट लेना ही है ना तो पराठा फ्रॉम पराठे वाली गली इज द परफेक्ट एंड द मोस्ट यम्मी चीट मील. खाते हैं यार पराठे, डीप फ्राइड पराठा. इसमें ये बिल्कुल नहीं आएगा, आप निश्चिंत होकर खाइए. यम. ऐसे बनते हैं दिल्ली के पराठे. एंड दैट माय फ्रेंड्स इज द पराठा बरखा स्पेशल. I'm sitting in the oldest shop of Chandni Chowk. It is called Shri Ram Hari Ram Jewelers. ये दुकान ना over 230 years old है, and they've been making the finest pieces of jewellery over generations. So I'm here to check it out. मेरे हमेशा एक बड़ा doubt रहता है, लहंगा पहले select करते हैं या jewellery? See earlier it used to be like कि पहले लहंगा book कर दो, उसके बाद jewellery खरीद लो. But now it's become different. People want to buy jewelry first because the prices go haywire and wo jata hai jaldi baji ka. Correct. Making a piece of jewelry takes a lot of time. Shaadi mein kya pehna tha apne apne shaadi mein? So I wore this very good antique aria. So basically this is called aria. Oh, okay. Gives a very royal look. Yeah. And I think because you wear something so high, yeah, you just naturally sit straight, you know. Yeah. So naturally your neck is like that then. You can't be like this, right? So like this you see, here is a belt. Okay. The detailing over here is really it's interesting. So gorgeous. Yeah, it is. And how old is this? More than like 80 to 90 years old. Really? Yeah. If you see, this is before the independence. There's Jai Hind written over here. And the colors are still so bright. That's because it's 23 carats. It's a pure, absolutely pure gold. So this is again a very old piece, again in 23 carat. This pearl is going to be as it is even for after next 100 years. Wow. So these pieces are so perfect to pass down as heirloom, right? Yeah. This is one of the chokers which has been inspired by a piece in Nizam of Hyderabad's collection. Oh wow, it's gorgeous. It's a beautiful choker. So because I changed the colors, I gave it a blue and red hue, right. It became very modern. Something like this, which is very, very heavy. Similar piece was worn by Shloka Ambani. This is all diamond? All diamond polki, yes. Oh, wow. So how much would this retail at if someone this were to buy this? This is for 25 and a half. So Barkha, I've shown you so many pieces. Right. Which is the piece which you've liked the best so far? The piece that I've liked the best? Yeah. It's what's on you. I love that ring of yours and that necklace. These are very good quality diamonds. I call GH, VVS, VS. Okay. And these small rounds that you see in between are all rose cuts.
So if you're a bride or you're going to be a bride, या आपको ऐसी jewelry खरीदनी है, you know where to come because buying jewelry from a trusted source is always a good idea. Hello, मुझे ना आपकी दुकान मिल नहीं रही थी, फिर मैं खड़ी हो गई और मैंने ऐसे किया तो एकदम खुशबू से मुझे आपकी दुकान मिल गई। तो मैंने सुना है कि आपके यहाँ काफी सारे स्पेशल इतर होते हैं। हाँ जी, हमारी जो स्पेशलिटी है वो रू गुलाब है। 5000 किलो ताजे गुलाब की पंखड़ियों में से 1 किलो ये गुलाब का रू निकलता है और इसकी 1 ग्राम की कीमत है 2800 रुपए। 1 ग्राम की 2800? जी हाँ। तो इत्र तो राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है, बट आज के जमाने में हाउ आर यू मैनेजिंग टू कीप योर शॉप सो रेलेवेंट? उस समय ये एक लग्जरी थी, जो महाराजा महाराजा थे वो इसको अफोर्ड कर सकते थे। अच्छा, आज ये नेसेसिटी बन गया। द वे यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ, एवरीवन वांट्स टू स्मेल गुड। एग्जैक्टली, सो दैट इज व्हाट्स कीपिंग द इत्रस अलाइव, बिकॉज़ एवरीवन वांट्स टू स्मेल लाइक रोजेस, लाइक अ बेड ऑफ रोजेस। एक एक्वा फ्लोरल वाला इत्र दिखाइए, बिकॉज़ दैट्स माय फेवरेट। I think this is the final and a very important touch to any bridal outfit to impress both the to-be groom and everyone around you. I've found my favorite fragrance and I'm ready to go. Thank you so much. बहुत मजा आया आपसे बात करके and to smell these amazing fragrances. चलो जी, अब तो यहाँ से fresh हो गए. Now let's move on to the next destination in the bazaar. So I'm done with my shopping at Chandni Chowk, but somewhere in between Chandni Chowk and the Sabyasachis of India lie a whole bunch of independent designers in Shapur Jat who can bring to life any bride's dream. I feel like I'm in a bride's dream world. You know, agar meri shaadi hone wali hoti na and I'd like dream about my wedding outfit, it would be a mix of everything I see around here just now. It's such a gorgeous looking store. I'm seeing a lot of pastels around. Yeah, right now what we have, lighter colors are very in right now. And aap dekh rahe hoge ki koi bhi concept mein ek color nahi hoga. We have a blend of 2 to 3 colors. The family of golds and mangoes. So we have a blend of silver and inside we have a blend of rose gold also. Got up close and personal with all the chaos that goes on behind that big fat Indian wedding, be it the shadi ka joda or the wedding jewelry or the shadi ka card. But whatever it is, mujhe bahut zyada maza aaya and I know one thing for sure, that Delhi has it all. यही ब्राइड्स है, पूरा बाजार इसी काम के लिए जो है ना मशहूर है। बट ये पूरा फोकस्ड एक खास इसी थीम को लेके था, शादी को लेकर, खास तौर पर ब्राइडल सारा कुछ लाएंगे। ज्वेलरी दिल्ली से सबसे मजे की मिलेंगी और इतर इतर देख के बड़ा अच्छा लगा। काफी टाइम हो गया, अब तो परफ्यूम्स वगैरह यूज होते हैं, इतर इज समथिंग एल्स, पुरानी चीज है। अजीब बात है कि लड़के बैठ के इतने फोकस से लड़कियों के ड्रेस और ज्वेलरी एंड वो सारा कुछ देख रहे हैं। सो वाओ, दैट्स नाइस। लेकिन जब उसने वो शादी का कार्ड कहा और उसने कहा दूल्हे का नाम, तो मैंने कहा इधर लोगों के दिल टूटेंगे लेकिन बचत होगी। दैट वाज क्लोज, दैट वाज क्लोज है। तो वो मुझे खुशी हुई कि चलो बचत होगी। बट बाकी मैं अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छे से बनाई हुई। हाँ, बाकी सब कुछ अच्छा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि लड़के इतने फोकस से लड़कियों के ड्रेस और ज्वेलरी क्यों देख रहे हैं। मतलब तो अच्छी चीज है यार, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दिल्ली से जाके और ब्राइडल शॉपिंग कर सकते हैं। तो काफी अच्छी वीडियो थी, बिल्कुल काफी अच्छी थी, बल्कि बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी थी। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है नीचे कमेंट करके बताएं, और क्या आपको लगता है कि सबसे अच्छी है कोई वीडियो आप चाहते हैं देखें तो उसका लिंक दे दें। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।